हॉलीवुड और बॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरी की तबाहकुन मिसालें। रियल वर्ल्ड के मुआज़िज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी शक्ल तब्दील करना इस जदीद दुनिया का एक ऐसा मेडिकल कारनामा है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के जरिए शक्ल तब्दील करने के अमल में अब भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता और नतीजतन ये अमल खराब हो जाता है और प्लास्टिक सर्जरी करने वाले की शक्ल एक अजीबोगरीब नमूना बनकर रह जाती है। ऐसा ही कुछ दुनिया में कुछ टॉप की सेलिब्रिटीज के साथ भी हुआ जब उन्होंने अपने हुस्न को बढ़ाने के लिए या किसी खास मकसद के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई, लेकिन वो बिगड़कर इनके चेहरे को इबरत का निशान बना गए। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने ऐसी तबाहकुन प्लास्टिक सर्जरी जानबूझकर करवाई ताकि वो अपनी शक्लो सूरत किसी भूत, अफरीद या एलियन जैसी बना सके। यानी इस दुनिया में हर दो तरह के लोग मौजूद हैं, जिन्होंने जानबूझकर अपनी शक्ल तबाह की या जिन्होंने अनजाने में अपने आप को इस जहन्नुम में डाल दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की चंद ऐसी सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना नाम दुनिया के उन लोगों की फहरिस्त में दर्ज करवा लिया जिनसे आप चाहें तो मोटिवेट भी हो सकते हैं और चाहें तो इनसे इबरत भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, इस सिलसिले में सबसे पहली मिसाल सहर तबार की है जो ईरान की एक उभरती हुई मॉडल थी और इन्होंने 2017 में तकरीबन 50 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज करवाकर अपने चेहरे की शक्ल सूरत ही बदल डाली। सहर तबार अपने बचपन से ही अंजलिना जूली को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और इन्हीं के जैसे नजर आने की कोशिश करती थी। इसी कोशिश में इन्होंने अपनी आंखों तक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि इनकी आंखें, इनका चेहरा, शक्लो सूरत, जिस्म और बाल बिल्कुल अंजलिना जूली जैसे हो जाए। इस मकसद के लिए इन्होंने लाखों डॉलर प्रोसेस में झोंक डाले, लेकिन इसके बावजूद इनकी शक्ल अंजलिना जूली जैसी नहीं बन सकी। आप इनकी शक्ल देखें तो ये किसी बहुत ही बूढ़ी औरत का चेहरा नजर आता है और इनकी शक्ल को दुनिया भर में ज़ॉम्बी अंजलिना जूली के नाम से जाना और पुकारा जाता है। अपनी शक्ल सूरत के एतबार से सहर तबार बहुत बूढ़ी औरत लगती हैं, हालांकि इनकी उम्र इस वक्त सिर्फ 22 साल है। 22 साल की इस छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपने चेहरे और जिस्म के साथ ये सलूक किया है कि कोई इन्हें पहचानने को भी तैयार नहीं होता। इन्होंने सिर्फ अपनी शक्ल सूरत को बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा नहीं लिया, बल्कि इन्होंने अपने जिस्म और फिगर को भी अंजलिना जूली जैसा बनाने के लिए बेतहाशा सर्जरीज करवाई और अपनी सेहत का कबाड़ा कर डाला। इस सिलसिले में दूसरी मिसाल पिक्सी फोक्स की है जो एक एनिमेटेड फिल्म हीरोइन जेसिका रैबिट से शदीद मुतासिर है। जेसिका रैबिट जैसी शक्ल सूरत बनाने के लिए पिक्सी फोक्स ने तकरीबन $20,000 के करीब प्लास्टिक सर्जरी और दीगर चीजों पर खर्च किए हैं और अपने चेहरे समेत पूरे जिस्म की सर्जरीज करवाई है। यहाँ तक कि जेसिका रैबिट जैसी पतली कमर बनाने के लिए जो दो हाथों के घेरे में फिट आ जाए, इन्होंने अपनी निचली 6 पसलियां तक निकलवा दी। इसके अलावा इन्होंने परमानेंट मेकअप सर्जरी, आईब्रो सर्जरी, रुखसार भरवाने के लिए चिक्स फिलर सर्जरी, लिप्स फिलर और ब्रेस्ट फिलिंग एंड अपलिफ्टिंग जैसी बेशुमार सर्जरीज करवाई हैं और ये पूरे का पूरा एक एनिमेटेड कार्टून बनकर रह गए हैं। पिक्सी फोक्स किसी भी शौक और जुनून में पागलपन की हद तक पहुंचने के लिए एक नहायत उम्दा मिसाल है, जिन्होंने अपना नहायत खूबसूरत जिस्म एक एनिमेटेड मूवी की हीरोइन जैसा बनाने के चक्कर में तबाह कर डाला है। इन्होंने अपनी सिर्फ 6 पसलियां ही रिमूव नहीं करवाई, बल्कि अपने अंदरूनी सिस्टम के अंदर से भी बहुत सारी चीजें रिमूव करवा कर अपनी कमर को दुनिया की सबसे पतली कमर बना लिया है और इनका सीना भी बेहद भारी हो चुका है। इस सब के बावजूद इन्हें कोई पछतावा नहीं है और वो इस वक्त भी सोशल मीडिया पर निहायत एक्टिव है। दोस्तों, हैंग मुकाओ भी एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने 28 साल की उम्र में अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए सर्जरीज का सहारा लिया। उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और महंगी भी थी। जब इनके पास पैसे नहीं बचे तो इन्होंने घर पे खुद ही अपनी प्लास्टिक सर्जरी करते हुए बूटॉक्स की तर्ज पे अपने चेहरे में कुकिंग ऑयल इंजेक्ट कर दिया। इससे इनका चेहरा मजीद डैमेज हो गया और ये छोटी सी उम्र में ही इंतहाई बूढ़ी खातून लगने लगी और इन्हें शदीद किस्म के इन्फेक्शन ने भी घेर लिया। बाद में दूसरों की मदद और माली तावन से इन्होंने अपने चेहरे की दोबारा सर्जरी करवाई ताकि ये अपनी असली हालत में वापस आ सकें। इससे इनका चेहरा तो काफी हद तक बेहतर हो गया, लेकिन इनकी सेहत बेहद खराब हो गई। अपना सब कुछ प्लास्टिक सर्जरी के जनून पर लुटाने के बाद आज ये 60 साल की उम्र में कपड़े के एक स्टोर पर सेल्स वुमेन की जॉब करती हैं और अपना पेट पाल रही हैं।
प्यारे साथियों, एनेस्थीसिया पोकर शोक यूक्रेनियन मॉडल है जिन्होंने 28 साल की उम्र में कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाना शुरू कर दी। इस मकसद के लिए इन्होंने वेनियर्स, बुटॉक्स और लिपोसेक्शन का सहारा लिया। कॉस्मेटिक सर्जरीज का असल मकसद एक मुस्तकिल मेकअप कायम करना होता है और ये अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी रही। आज ये एक ऑनलाइन स्टोर पे मेकअप टेक्निक और मेकअप आर्टिस्ट का काम सिखाने के लिए मौजूद रहती हैं और इनकी फीस भी काफी ज्यादा है। वेलेरिया लिखनावा भी एक यूक्रेनियन मॉडल हैं जिन्होंने असल दुनिया में रहते हुए बार्बी डॉल जैसी सर्जरीज करवाने के लिए हजारों डॉलर्स खर्च किए। वेलेरिया इस वक्त दुनिया में वो वाहिद खातून है जो बार्बी डॉल से बिल्कुल मुशाबहत रखती हैं और इस मकसद के लिए इन्होंने दर्जनों सर्जरीज करवाए हैं। खुशी की बात यह है कि इन दर्जनों सर्जरीज के बाद ताहाल वेलेरिया को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ और ये अभी तक एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके फैंस और मदाओं की कम्युनिटी बहुत बड़ी है और ये अपनी मकबूलियत और शोहरत को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी शक्ल बदलने में आलमगीर शोहरत के हामिल और सबसे ज्यादा मशहूर तरीन माइकल जैक्सन की मिसाल है जिन्होंने एक स्याह फार्म अमरीकी होते हुए प्लास्टिक सर्जरीज के जरिए ना सिर्फ अपनी शक्ल सूरत तब्दील कर ली बल्कि अपना रंग भी इंतहाई गोरा कर लिया। इस सिलसिले में मुतजाद बातें भी सुनने को मिलती हैं। माइकल जैक्सन ने जाती डॉक्टर्स की एक पूरी टीम रखी हुई थी जो इस मकसद के लिए हर वक्त इनके साथ रहती थी। माइकल जैक्सन ने अपनी शक्ल सूरत को बदलने के लिए लिप सर्जरी, आई सर्जरी, चिन यानी ठोड़ी की सर्जरी और नोज सर्जरी करवाई। इस सिलसिले में ये भी कहा जाता है कि माइकल जैक्सन दरअसल बस यानी फुलबेरी के बीमारी के शिकार हो गए थे जिसकी वजह से इनके जिस्म पर सफेद दाग पड़ रहे थे। इन्हीं सफेद दागों को छुपाने के लिए इन्होंने मस्नूई तौर पर अपने पूरे जिस्म को गोरा करवा लिया और फिर अपने चेहरे को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरीज का सहारा लिया। माइकल जैक्सन की दौलत कई सौ मिलियन डॉलर्स में थी और इन्होंने लाखों डॉलर्स अपनी सेहत को और प्लास्टिक सर्जरीज को मेंटेन रखने पर खर्च कर डाले। माइकल जैक्सन की वफात 2009 में हुई थी लेकिन ये आज भी अपनी प्लास्टिक सर्जरीज और गानों के हवालों से पूरी दुनिया में शोहरत रखते हैं। प्यारे साथियों, प्लास्टिक सर्जरी करवाने का जनून सिर्फ मगरबी लोगों में ही मौजूद नहीं है बल्कि मशरकी मुआशरों में भी सराहियत कर चुका है। इसकी एक मिसाल बॉलीवुड और पाकिस्तान के लालीवुड की भी है जहाँ की अक्सर अदाकाराएं प्लास्टिक सर्जरीज के जरिए अपने हुस्न को कायम रखने की कोशिश करती हैं। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा मशहूर नाम मलाइका अरोड़ा का है जिन्होंने अपने साबिक शौहर अरबाज खान के साथ रहते हुए लिप सर्जरी, नोज सर्जरी और ब्रेस्ट सर्जरीज करवाई ताकि वो मजीद हसीन और खूबसूरत नजर आ सके। इस सिलसिले में इन्होंने माहिर तरीन डॉक्टर से मुशावरत भी की और इसीलिए इन्हें किसी भी किस्म के तबाहकुन नताइज का सामना नहीं करना पड़ा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरीज और इन अदाकाराओं के बारे में आपकी राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।